तो आज का टॉपिक क्या है, व्हाइट नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन में व्हाइट नॉइज। ठीक है, व्हाइट नॉइज के जानने से पहले हमको नॉइज क्या है ये जानना होगा। नॉइज क्या है? एनीथिंग दैट मोस्टली अनडिजायरेबल और अनवांटेड इज रिफर टू नॉइज। तो नॉइज क्या है? जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही हमारा नॉइज़ है। अब देखो व्हाइट नॉइज क्या है। व्हाइट नॉइज इज़ अ रैंडम सिग्नल हैविंग इक्वल इंटेंसिटी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी हो, ठीक है, व्हाइट नॉइज का जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगा। गिविंग इट तो इंटेंसिटी सेम रहेगा, इसका मतलब इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगा। इसका ग्राफ देखो, ये हमारा फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस में ये क्या है हमारा नॉइज पावर डेंसिटी। तो फिर देखो फ्रीक्वेंसी जो भी है, हमारा जो नॉइज पावर डेंसिटी है वो सेम है, ठीक है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका व्हाइट नॉइज का यूज कैसे होता है? व्हाइट नॉइज यूज टू ऑब्टेन इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स निकलना है तब हमको व्हाइट नॉइज ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है देखो, व्हाइट नॉइज हैज़ जीरो मीन, इसका जो मीन होगा, ठीक है, और एवरेज वैल्यू जीरो होगा। एंड कांस्टेंट वेरिएंस, इसका वेरिएंस कांस्टेंट होगा। एंड इट इज़ अनकोरिलेटेड इन टाइम, टाइम के साथ कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखो जो इसको तो पता चल गया, हमारा जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी जो भी हो, जो पावर डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम कांस्टेंट रहेगा। अब ये व्हाइट नॉइज कैसे क्रिएट होता है ये देखो। सपोज ए क्या है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर अंदर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है रैंडम में मोशन करेगा, रैंडम मोशन के दोनों एंड से आएगा, ठीक है। इस रैंडम मोशन के लिए ही एक रैंडम वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक है। जो रैंडम वोल्टेज है वही हमारा नॉइज क्रिएट करेगा, और वही हमको क्या पता चलेगा, वही हमारा व्हाइट नॉइज। तो फिर व्हाइट नॉइज कैसे क्रिएट होता है? इट इज created due to the electrons and its random motion inside the conductor। कंडक्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है रैंडम मोशन करके, रैंडम मोशन के वजह से एक दोनों एंड्स पे क्या होगा वोल्टेज, रैंडम वोल्टेज क्रिएट होगा, और इसके वजह से जो नॉइज़ क्रिएट होगा वही हमारा क्या है व्हाइट नॉइज़। ओके, अब देखो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। व्हाइट नॉइज़ का जो आरएमएस वैल्यू इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा फाइनाइट होगा। एक है आरएमएस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वी स्क्वायर इजिकल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है 4 kB, kB क्या है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर इन टाइम केल्विन, इंटीग्रेशन F1 एंड F2 क्या है दो हमारा जो बैंडविड्थ है, ठीक है, दोनों एंड्स पे इसका फ्रीक्वेंसी है F1 एंड F2, ठीक है, बैंडविड्थ का फ्रीक्वेंसी, इंटू आर क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटू DF। ओके, अब देखो इसका अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा V = √/4 kBT, BN हमारा BN क्या है बैंडविड्थ, F1 - F2 और F2 - F1, ओके, इंटू R। अब देखो एक और फार्मूला है V² = अगर हम आरएमएस वैल्यू को अगर पावर डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है, नॉइज डेंसिटी ये क्या है PN, V² = 4R × PN, PN क्या है नॉइज पावर, ओके, नॉइज पावर। देखो अगर नॉइज पावर के थ्रू लिखना है तो ये फॉर्मूला लिखना होगा V² = 4R के रेजिस्टेंस इंटू PN नॉइज पावर। अब देखो तो फिर PN का वैल्यू क्या है नॉइज पावर, PN = V² / 4R, ओके, V² क्या है आरएमएस वैल्यू। आप PN को कैसे लिख सकते हो PN = अब देखो सपोज ये हमारा क्या है KBT BN, यहाँ पर देखो V² का वैल्यू अगर 4 kBT BN R यहाँ पर अगर पुट कर दूंगा, ठीक है, / 4R, तो 4R कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा KB × T × BN, KB × T × BN, PN का है नॉइज पावर। अब देखो अगर हम PN/BN जो बैंडविड्थ, ठीक है, PN/BN नॉइज पावर बाय बैंडविड्थ करूँगा तो क्या रहेगा, PN का वैल्यू ये है और BN कट जाएगा, तो KBT जो PN/BN, ठीक है, ये हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है ओके, हो गया हमारा कैसे क्रिएट होगा। अगर एक अगले वीडियो में क्वेश्चन कर लूँगा इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो भाई, थैंक यू।